नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर एपिसोड में हम आपके लिए सिलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं। ऐसा जीके हम यहां पे उठाते हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान आपके लिए सिलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। इसलिए यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं या फिर रटते हैं, समझते हैं, सारा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले कल जो हम वीडियो आपको बनाकर दिए थे उसमें लास्ट का जो वीडियो था वो हम आपको बताए थे कि उसका जवाब हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि उससे कुछ फैक्ट निकलने वाला था। तो सबसे पहले कल का जो वीडियो था वो आप यहाँ पे देख लीजिए। 11वां जो कल का सवाल था, आगरा शहर को किसने बसाया? जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि यहाँ पे जो प्रतिभागी है कन्फ्यूज करते हैं और ताजमहल से ये कनेक्ट किया हुआ शहर है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो वो है सिकंदर लोदी। अब यहाँ पे एक फैक्ट क्या है वो आप देखिए, ऑप्शन बी और डी को देखिए। बी में बहलोल लोदी है और डी में सिकंदर लोदी है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी के पिता का नाम क्या है, तो सिकंदर लोदी के पिता का नाम बहलोल लोदी है, या फिर यहाँ पे आप याद रखिएगा, या फिर बहलोल लोदी के पुत्र कौन है? तो वो है सिकंदर लोदी। ये यहाँ से फैक्ट निकलता है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले आगरा शहर का किसने बसाया था? तो वो है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के पिता का नाम क्या है? बहलोल लोदी। दूसरी, सिकंदर लोदी जो है वो लोदी वंश के दूसरे शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाएगा कि लोदी वंश के दूसरे शासक कौन थे, तो वो है सिकंदर लोदी। तो चलिए इस तरीके से कल का वीडियो का 11वां सवाल था वो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था दूर हुआ। और आज का मेन जो वीडियो है, आज का जो शुरुआत यहाँ पे करते हैं, और पहला सवाल आप यहाँ पे देखिए। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी, एलिफेंट। तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एक कन्फ्यूजन आप यहाँ पे दूर कर लीजिए। हो सकता है हाथी महोत्सव न देकर गज महोत्सव भी दे दे, इसलिए ये दोनों आपको याद रखना है। काफ़ी बार जो है प्रतिभागी कन्फ्यूज होते हैं, तो दोनों में जो दे आपको वहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर में। जयपुर में प्रतिवर्ष जो है हाथी महोत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो आमतौर पर मार्च के महीने में इस महोत्सव को जयपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस मेला में या फिर इस महोत्सव में जो है हाथी को सजा धजा कर लाया जाता है, और इस तरीके से जो है ये इसीलिए इस मेला को नाम कहा गया है हाथी महोत्सव। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध का नाम आप सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, पद्मसंभव, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर और अश्वघोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रख लेना है कि द्वितीय बुद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है पद्म संभव। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जो आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो हम आपको यहाँ पे बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो होता है 54। अब इसको आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, इसलिए इजी है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो 52, 52। और संस्कृत में कितना हो जाएगा? दो जो है बढ़ जाएगा, दो ऐड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये एक लॉजिक आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हिंदी में 52 वर्णमाला और उसी तरीके से संस्कृत में कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, दो बढ़ेगा। अच्छा, अंग्रेजी में कितने वर्णमाला होते हैं ये आपको पता होगा, कितना लेटर होता है? तो होता है 26। चलिए यहाँ पे चौथा सवाल देखते हैं। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? रूमटेक मठ कहाँ स्थित है, या फिर रूमटेक मंदिर भी पूछा जा सकता है। मठ को ही मंदिर कहा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकांशतः रूमटेक मठ ही पूछा जाता है। तो रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम में रूमटेक मठ स्थित है। अच्छा, रूमटेक मठ को धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है, ये भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन से फैक्ट आप इसका समझ लीजिए। रूमटेक मठ को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र का केंद्र भी कहा जाता है। और यह जो रूमटेक मठ है यह सिक्किम की राजधानी गैंगटेक के पास है। ठीक है, गंगटेक के पास जो है यह रूमटेक मठ है। चलिए पांचवा सवाल यहाँ पे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा के लेखकों को दिया जाता है?
ये इजी है काफ़ी। यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक लॉजिक हम आपको समझा देंगे और उस लॉजिक से आसानी से इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा के लेखकों को दिया जाता है? तो सबसे पहले एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कभी पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन का मेन फैक्ट है कि कितनी भाषाओं को लेखकों को दिया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 24, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार को दिया जाता है। अब इसका लॉजिक आप समझिए, 24 कैसे याद रखना है। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो ये हम आपको पहले भी बताए थे, 22 भाषाएं जो हैं भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। लेकिन यहाँ पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जा रहा है, 24, तो दो बढ़ रहा है, और दो कौन बढ़ रहा है, एक तो अंग्रेजी और दूसरा राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा जो है वो भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इस दोनों भाषा में जो है एक्स्ट्रा भी दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसलिए भारत की 8वीं अनुसूची का 22 और ये दो इंग्लिश प्लस राजस्थानी, इस तरीके से 24 भाषा आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए छठा सवाल यहाँ पे देखते हैं, दरभंगा महल किस प्रदेश में स्थित है? काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिभागी जो है बड़े आसानी से यहाँ पे एक नंबर खो देते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट करने का मकसद मेरा यही था, प्रतिभागी जो है 110%, 90% यहाँ पे कन्फ्यूज होने वाले हैं। दरभंगा महल किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन चार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो यहाँ पे अधिकांशतः जो प्रतिभागी है वो बिहार को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, चूंकि दरभंगा महाराज है बिहार में, ये आपको याद रखना है। दरभंगा महल नहीं है बिहार में, दरभंगा महाराज है, और ये जो दरभंगा महल है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। तो दरभंगा महल भी है और वहाँ पे दरभंगा कॉलोनी भी है, इसलिए आपको ये दोनों याद रखना है। और सबसे मेन यहाँ पे दरभंगा महल का नाम जैसे ही आ जाए आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाना है, ना कि बिहार के दरभंगा में आपको जाना है। चलिए यहाँ पे सातवां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पुस्तकें नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिया गया है और इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा पुस्तक है जो कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऋतु संहार, मेघदूत, दस कुमार चरितम और कुमार संभव, चार ऑप्शन है। तो जैसा कि मेघदूतम तो आप सुने ही होंगे और ऋतु संहार भी सुने होंगे, और एक जो है डी यानी कि कुमार संभव, ये तीन जो है ए बी और डी, तीन जो आप पुस्तक यहाँ पे देख रहे हैं ये कालिदास के द्वारा रचित है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं दस कुमार चरितम, ये पुस्तक कालिदास के द्वारा रचित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसका लेखक कौन है, तो दस कुमार चरितम को जो है दंडी द्वारा लिखा गया है, ये आप याद रख लीजिएगा, दस कुमार चरितम किसके द्वारा लिखा गया है, दंडी द्वारा लिखा गया है, जो कि संस्कृत की गद्य पुस्तक है, ठीक है। इसे दंडी की पहली गद्य रचना भी मानी जाती है, इसे दंडी की पहली गद्य रचना भी मानी जाती है। तो ये नहीं यहाँ पे फैक्ट निकलेगा, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर कभी पूछ दे आपसे कि दस कुमार चरितम किसकी रचना है, तो ये दंडी की रचना है। इस क्वेश्चन से दो फैक्ट आपके सामने निकल कर आता है, इस दोनों फैक्ट को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। अब यहाँ पे देखिए आठवां सवाल, आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, संथरा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिएगा, संथरा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन चार सिख, जैन, हिंदू और फिर बौद्ध। तो ये जो प्रथा है संथरा प्रथा, ये जैन धर्म से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जैन। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि संथरा प्रथा होता क्या है, तो ये जो संथरा प्रथा है जैसे कि जैन धर्म से संबंधित है, और इसमें जब इंसान को लगता है कि वो मौत के करीब है, जो भी जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उनको लगता है कि अब जो मौत है उनके करीब आ चुका है, तो उस स्थिति में वो अपने खाना पाना को जो है खाना पानी को त्याग कर देते हैं, और उसी प्रथा को संथरा प्रथा कहा जाता है, इसलिए आप यहाँ पे इस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा। चलिए नौवां सवाल यहाँ पे देखते हैं, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चार ऑप्शन, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और फिर गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ये चार ऑप्शन हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा किसकी लिखित हुई है, किसका रचित किया हुआ है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से कुछ यहाँ पे फैक्ट निकल कर आता है, उस फैक्ट को भी आप समझ लीजिए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 में हुआ था और 1885 तक ये रहे, यानी कि 35 वर्ष तक ही ये भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा फैक्ट, यानी कि इस आंसर का सबसे बड़ा फैक्ट आप समझ लीजिए, भारतेंदु जो है ये भारत सरकार के द्वारा इनको उपाधि दी गई है, ठीक है। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है हरिश्चंद्र, लेकिन इसमें जो भारतेंदु आप देख रहे हैं, भारतेंदु जो है भारत सरकार के द्वारा उपाधि इनको दी गई है, और भारत सरकार के द्वारा जो है 1882 से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भी उनके सम्मान में शुरू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपसे ये फैक्ट पूछा भी जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो शुरुआत है पुरस्कार का कब से किया गया है, तो है 1882 से। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी, भारतेंदु की उपाधि उनको कब दी गई, तो वो है 1880 ईस्वी में, ठीक है। 1882 से ये पुरस्कार शुरुआत हुआ, और लेकिन हरिश्चंद्र जो लेखक थे उनको भारतेंदु की उपाधि कब दी गई, तो वो है साल 1880। तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से आपके लिए निकल कर आता है, जो कि आपको याद करके रखना है। अब चलिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां सवाल आप स्क्रीन पे देखिए, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, चूंकि व्यक्ति को पता नहीं होता है इसलिए वो कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये। ऑप्शन ए जयपुर, बी किराना, सी बनारस, और डी मायावती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मायावती। पंडित जसराज जो है वो मायावती घराने से संबंधित हैं, और ये जो जसराज हैं, जसराज पंडित शास्त्रीय संगीतकार थे, ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन जो हैं ये चारों ऑप्शन संगीतकार से संबंधित हैं, लेकिन पंडित जसराज जो है वो मायावती घराने से संबंधित है। दूसरा, इसका एक और फैक्ट आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो मायावती है इसका संस्थापक नज़ीर खान है, ठीक है। कौन है? नज़ीर खान। मायावती घराना का संस्थापक कौन है, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है, तो उसका संस्थापक नज़ीर खान है। दूसरा, मायावती घराना में जो है कौन कौन है, तो वो भी यहाँ पे चार पांच नाम है, ये भी आपको याद रख लेना। जैसे पंडित जसराज तो आप पहले ही समझ गए, पंडित जसराज के अलावा मोतीराम, मनीराम व संजीव अभियंकर, ये तीनों जो हैं ये भी मायावती घराने से ही बिलोंग करते हैं, ये भी तीनों जो हैं इसी घराने के कलाकार हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि पंडित जसराज जो है वो तो एक मायावती घराने से बिलोंग करते हैं, दूसरा पंडित जसराज के अलावा मोतीराम, मनीराम व संजीव अभ्यंकर, ये तीनों भी जो हैं इसी घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस वीडियो में जो 10 सवाल हुआ वो 10 सवाल यहाँ पे पूरा होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में हम आपके लिए लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो सेलेक्ट करते हैं वो आपके लिए होता है, उसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देना होता है, उसमें हम आपको जवाब नहीं देते हैं। तो आपके लिए जो आज का क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है वो क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, भारत के किस सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, भारत के किस सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया, राज्य का नाम बताए, वो कौन सा राज्य है जिसको भारत सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया। अब बॉम्बे का मतलब आप समझ गए होंगे कि बॉम्बे का ही जो पुराना नाम है, यानी कि आज के डेट में मुंबई है, इसी का पुराना नाम क्या है, बॉम्बे है। उस बॉम्बे को 2 प्रदेश में कौन सा राज्य बना, यानी कि बॉम्बे प्रदेश को जब डिवाइड किया गया तो कौन सा 2 राज्य बना, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, महाराष्ट्र और गोवा नंबर 1, नंबर 2 महाराष्ट्र और गुजरात, नंबर 3 महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और नंबर 4 महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब पोस्ट कर दीजिएगा। और इस तरीके से आज के इस वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं, और फिर जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जितना हम क्वेश्चन बेहतर से बेहतर निकाल सकते हैं वो बिल्कुल फैक्ट के साथ आपके सामने जो है परोसेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितना भी क्वेश्चन हम आपके सामने लाकर देते हैं, आपके सामने परोसते हैं, उसमें आंसर पे आपको बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम बार बार वहाँ पे सर्च करके लाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके लिए उठाते हैं पहले पूरा उसका डिटेल्स वहाँ पे देखते हैं, फिर उस पर पूरी जानकारी जितना फैक्ट निकल सकता है सारा वहाँ पे निचोड़ लाते हैं, और जिस क्वेश्चन पे थोड़ा भी डाउट होता है उसको बार बार चेक करके ही आपके सामने परोसते हैं। इसलिए एक तो इस वीडियो में आपको आंसर पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी एक क्वेश्चन के अलावा जितना फैक्ट उससे निकल सकता है उतना फैक्ट हम आपको यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के साथ।